Good morning everyone. Now in today's class we are going to discuss the next topic, that is the communalism. Communalism मतलब क्या होता है? जातियवाद. मराठी में जातियवाद मतलब ये जातियवाद को अब क्या होता है? जब सोसाइटी में किसी ग्रुप के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर, या किसी सोसाइटी के ऊपर, या किसी कम्युनिटी के ऊपर, मतलब कोई भी कम्युनिटी पकड़ लो या कोई इंडिविजुअल एक आदमी के ऊपर उसका उसके ऊपर अत्याचार बोलो या उसको थोड़ा हेट्रेडनेस क्या होता है दूसरे के साथ, मतलब दुश्मनी चालू हो जाना, और ये दुश्मनी का बाद में धीरे धीरे ग्रुप्स में कन्वर्ट होना, और ग्रुप में बाद में एक ये ग्रुप वाले या इन सिंपल वे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ में होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन, मतलब धर्म के ऊपर से या कास्ट के ऊपर से जो एक दूसरे के बीच में हेट्रेडनेस और धीरे धीरे ये जो थिंग है ये बाद में जाके एक थ्रेट मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में या हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और ये प्रॉब्लम बाद में हमारे यूनिटी को क्या होता है डिस्टर्बेंस करता है, जो हमारे नेशनल की जो यूनिटी है, हमारे सोसाइटी की जो यूनिटी है उसको एक प्रकार से थ्रेट होता है, दैट इज द कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, सीरियस थ्रेट, मतलब एक प्रकार से क्या है वो प्रॉब्लम है, थ्रेट है, थ्रेट मतलब धोखा है, दिस इज द सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के एकता को ये क्या है एक प्रकार से थ्रेट है, धोखा है. कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट ऑफ अ नैरो रिलीजियस प्राइड. प्राइड होना एक बात है, मतलब थोड़ा सा अपने जात पात के या हमारे रिलीजन के प्रति थोड़ा प्राइड होना इज अ गुड थिंग, इंडिविजुअली वो क्या है गुड थिंग है, लेकिन जब वो हम बाहर लाते सोसाइटी में लाते या जब जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर अगर तुम अपने बारे में, अपने कास्ट के बारे में, अपने धर्म के बारे में अगर तुम नैरो माइंडसेट तुम्हारा रहेगा, मतलब तुम एकदम छोटी सोच वाले आदमी रहोगे तो वो सोसाइटी में या हमारे इंडिविजुअल या कम्युनिटी में वो एक प्रकार से मतलब मैं तुम्हारे कास्ट को अपने कास्ट को सुपेरियर बता रहा हूँ, दूसरे कास्ट को क्या बता रहा हूँ इंफेरियर बता रहा हूँ, सुपेरियर इंफेरियर वो मेरा बहुत बड़ा है या मैं तुमसे बिलोंग नहीं करता, मैं उससे भी अलग हूँ, हायर कास्ट का हूँ और तुम क्या किसके हो लोअर कास्ट के हो, ठीक है, हायर लोअर, ठीक है, तो मेरा स्टेटस जो है ना वो एकदम हायर है, तुम्हारा स्टेटस क्या है लोअर है, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस पर कास्ट है, रिलीजन है, ये बात भी जाकर धीरे धीरे ही जो फीलिंग है ये जो नैरो माइंड सेट है, नैरो माइंड सेट मतलब छोटी सोच वाले, नैरो माइंड सेट ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म के प्रति या कास्ट के प्रति जो नैरो माइंड सेट करता है वही बात में जाकर एक प्रकार से इट इज द सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ अवर कंट्री. उसके बाद देखो सबसे पहले हम कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं सभी धर्म के, सभी जातियों के, सभी मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट जो जिनकी अलग अलग कास्ट है या धर्म है वो सभी एक साथ रहने लगते हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स have happily lived together since many centuries. बहुत सालों से हमारे हमारे देश में अलग अलग कास्ट के धर्म के लोग क्या करते हैं एक साथ रहते हुए आ रहे हैं. There is nothing wrong in the people. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being truly proud of their own religion. मतलब गलत नहीं है ये एक साथ रहना या जो हम हजारों सालों से या शतकों से सेंचुरी से जो हम एक साथ रहते आ रहे हुए हैं उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे रिलीजन का, तुम्हारे कास्ट का थोड़ा सा प्राइड होना ठीक है,
थोड़ा सा प्राइड, मतलब ठीक है मैं इस जात का हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, या अपने लिए बताने के लिए, खुद को मालूम रहने के लिए बराबर है। लेकिन जब वो चीज तुम बाहर लाते हो तो वो क्या एक प्रकार से प्रॉब्लमेटिक थिंग है, वो क्या एक प्रकार से प्रॉब्लमेटिक थिंग है। बट वेन दिस प्राइड बिकम्स एक्सेसिव, लेकिन ये जो गर्व है, ये जो स्वाभिमान है अपने धर्म के ऊपर या अपने कास्ट के ऊपर, वो अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, एक्सेसिव हो गया, when becomes excessive then it turns into the bigotry। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दंगे फसाद, bigotry में, bigotry में मतलब क्या होता है, दंगे फसादों में कन्वर्ट हो जाता है। और each one then begins to consider their religion superior and others inferior, this leads to a religious fanaticism। और उसके बाद धीरे धीरे हर एक जन सोसाइटी का हर एक जन अपने अपने खुद को क्या समझता है, सुपेरियर समझता है, और दूसरे को क्या समझता है, इनफेरियर। तो इसके वजह से बाद में हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है वो धीरे धीरे कहाँ किस तरह जाता है, लीड्स टू द रिलीजियस फैनाटिसिज्म, रिलीजियस फैनाटिसिज्म। इसको कब मारूं मैं, ठीक है। तो ये जो थिंकिंग रहती है, जो माइंडसेट रहता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा सोसाइटी। क्लियर है, ज्यादा समझ में आ गया।